सोने गली, मैं 70 साल की उम्र होने के बावजूद पहली बार सोने गली आया हूं और मैं सीओ साहब को मुबारक देता हूं कि आपने मुझे सोने गली दिखाई है। मैं इस मेंढर का रहने वाला हूं, मेरा ये पैदाइशी घर है और उसके बावजूद मैं नहीं आया। 70 साल मेरी उम्र है और 52 साल मेरी सर्विस है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां हम नहीं जा सकते, मसरूफियात हमारे पास बहुत होती हैं। आज भी बहुत मसरूफियात थी, मगर मुझे बड़ी ताकीद से सीओ साहब ने फ़ोन किया तो मेरा दिल चाहिए कि बार बार बुलाते हैं तो बड़ी एक बदअखलाकी होगी अगर मैं नहीं जाऊँगा। तो इनकी दावत पर मैं यहाँ आया, मैंने देखा बड़ी खुशी हुई है और मैंने ये देखा कि मैं बड़ी जगह जहाँ कहीं जलसे होते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी फौज का बड़ा रोल है और ख़ास करके ये जितने भी पीर बाबे हैं हमारे, सटाली वाली है, वहाँ बुजुर्गों के इन्होंने खानकाहें बनाई हैं, गली सईदा में है, वहाँ हमने देखा बहुत बड़ा फौज का रोल है। और यहाँ तो पहली बार मैं आया हूँ, देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और देखा कि जब पब्लिक इस सख्त में नहीं है तो फिर फौज ने अपना हिस्सा डाला। और ये जो हिस्से पढ़ते हैं ये ऐसे नहीं जाते, मैं चनंगड़ी गांव से हूँ और मैं वहाँ का पंच भी हूँ, मैं इमाम भी हूँ वहाँ का। तो आम शुरू से फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे हैं और मैं 10 जैकरफल के एसपीओ साहब और यहाँ जितनी फौज आ सबका शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे चनंगड़ी गांव में, वहाँ एक पानी था उस पर भी इन्होंने पानी को भी ठीक किया, वहाँ शहर वगैरह बनाया और वहाँ बाथरूम भी बनाकर दिया। और सबसे ज़्यादा मैं मशहूर और शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि यहाँ जो ये ज़्यारत पीर बाबा सोने गली में दूर दराज से यहाँ लोग आते थे, यहाँ बैठने की कोई जगह थी नहीं थी, तो जनाब फौज ने और हमारे सीओ साहब ने बहुत बड़ा कोपरेट किया, पहले भी इन्होंने मदद किया। तो मैं फौज का नहायत ही ममनून और मशहूर हूँ और शुक्रगुजार। आज के बाद भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया जनाब।